नमस्कार, स्वागत है आपका वेब वार्ता में। आपके साथ मैं हूं प्रीति और हमारे साथ मौजूद हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। आज हम बात करेंगे धार्मिक बयानबाजियों के बारे में। धर्म के नाम पर राजनीति और बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह की बयानबाजियों का जारी रहना 21वीं सदी में हमें किस दिशा में ले जाता है? दिक्कत की बात यही है कि कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयान देते हैं और फिर सारा समाज भुगतता है। कोई मंत्री गलत बयान देता है, कोई साधारण व्यक्ति गलत बयान देता है, कुछ संस्थाएं हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही हैं, वहां से गलत तरीके के बयान जारी होते हैं। मुझे लगता है कि ये चलन अब बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके का पूरा माहौल हम दुनिया में देख रहे हैं, पूरी दुनिया एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठी है और कोई भी चिंकारी पूरे फिजा बिगाड़ सकती है, समाज को एक नफरत की आंधी की तरफ धकेल सकती है। ऐसे में मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ी बात अपनी संभल कर कहना चाहिए। हमने देखा कि जो दादरी कांड हुआ वो दरअसल अपने आप में घटना उस तरह की नहीं थी जितना उसे बना दिया गया। अगर उस तरह की कोई घटना हुई कि कुछ लोगों ने मिलकर घेर कर किसी एक व्यक्ति को मारा है, तो उसको उस अपराध के रूप में देखने की बजाय उसे एक धार्मिक उन्माद का रूप दिया गया। लोगों ने, नेताओं ने जाकर उस बात को और बिगाड़ा। इस तरह आप देखेंगे सुनपेड़ की जो घटना हुई थी हरियाणा की, वहां पर आप देखेंगे जांच की रिपोर्ट जो आई उसमें पता लगा कि आग जो है भीतर से ही लगी थी मकान के। हम ये लगातार देख रहे हैं कि घटना की तह में गए बगैर लोग लगातार अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और उस बयानबाजी से जो पहले से माहौल खराब है वो और बिगड़ता जा रहा है। हाल ही में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा मोहम्मद पैगंबर साहब पर एक बयान जारी किया गया जो तूल पकड़ चुका है मामला। आखिर इस तरह के बयानबाजी की जड़ क्या है? मुझे लगता है कि उनको निश्चित तौर पर बचना चाहिए था ऐसी किसी भी बयानबाजी से। अगर देखिए कोई लोग किसी धर्म में गलत है तो उसकी वजह से आप उस धर्म के पैगंबर को या उस धर्म के भगवान को या उस धर्म के मसीहा को या उनके जो आराध्य हैं उनको किसी भी तरह की बुरी बात कहें, ये बर्दाश्त किसी के द्वारा भी नहीं किया जाएगा। इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जब देश में सहिष्णुता असहिष्णुता को लेकर एक लंबी बहस छिड़ी हुई है, इस वक्त जब दुनिया के अन्य मुल्कों में पेरिस में जो हमला हुआ उसके बाद एक अलग तरह की लामबंदी हो रही है, ISI का खौफ जो है वो इस हद जा चुका है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कितना जबरदस्त बयान दे दिया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है उस पर चर्चा करने को मजबूर हो गई है। जब उन्होंने कहा कि अमेरिका में मुस्लिमों की जो प्रविष्टि है उस पर बंदिश लगनी चाहिए और वो इसके पक्षधर हैं, तो मुझे लगता है कि जब इस तरह की बहसें दुनिया में जारी हो, इस तरह की धार्मिक उन्माद और कट्टरता चरम पर हो, वैसे में हमें अपने देश की फिजा को बिगड़ने से बचाने के लिए जरूरी है कि हम इस तरह के बयान ना दें। अगर कुछ मुस्लिम आतंकवाद की तरफ गए हैं तो दूसरे मुस्लिमों ने उसका विरोध भी किया है। इस्लाम ने कभी नहीं सिखाया है कि हम दहशतगर्दी फैलाएं। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं, तारिक फतेह जैसे लोगों को आप सुनिए जो खुद पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में पले बढ़े हैं, कनाडा में रहते हैं, लेकिन जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर, कोई भी सुधार अगर किसी धर्म में आना है, अगर बुराई है भी तो उसके भीतर से आना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईश्वरचंद विद्यासागर या महर्षि दयानंद सरस्वती जो वो हिंदू धर्म के भीतर हुए हैं, सती प्रथा का विरोध हिंदू धर्म के भीतर हुआ और तब जाके हम उस कुप्रथा से मुक्ति पा पाए। जो छुआछूत की इतनी बड़ी कुप्रथा हिंदुस्तानी समाज में जन्म ले चुकी थी उसके खिलाफ खुद गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने, और इसलिए वो महात्मा कहलाए हैं। तो किसी भी धर्म के भीतर अगर कुछ खराबी है तो उसके लिए सुधार भी उसी के भीतर से आना जरूरी। जब आप दूसरे धर्म के बारे में कुछ कहते हैं तो निश्चित तौर पर किसी को भी बुरा लग सकता है, तो इस तरह के बयानों से बचना बहुत जरूरी। धार्मिक और विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरना आम चलन हो चुका है, एक तरीके से होड़ लगी हुई है, लेकिन इस तरह के बयानबाजियों से हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना किस हद तक कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज के समाज में इस तरह की धार्मिक जुगालियों के लिए कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। आज का समाज वो समाज है जब एक साथ में कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा बहुत लंबे समय तक ये जानने की जरूरत ही नहीं समझता कि उसके बगल में जो बैठा है, जो उसके साथ टिफिन खा रहा है, जो उसके साथ होमवर्क कर रहा है, जो उसके साथ प्रैक्टिकल की कक्षा में जा रहा है, जो स्पोर्ट्स के मैदान पर उसके साथ फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, वो दरअसल किस धर्म या जाति का है। जब हमारा तथाकथित सभ्य समाज इस तरह की बातों को तूल देता है तब हम किसी को सोचने को मजबूर कर देते हैं कि दरअसल ये हमारे साथ में बैठा हुआ बच्चा किस धर्म या जाति या किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता है। इसी तरह जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो हम नहीं सोचते कि ये जो अदाकार है ये किस धर्म या जाति से, लेकिन जब ये बहस बढ़ी है तब हमको समझ में आने लगा कि शाहरुख खान और आमिर खान तो दरअसल मुसलमान है, सलमान खान मुसलमान है, अक्षय कुमार हिंदू, लेकिन वो इसलिए फिल्म के पर्दे पर नहीं दिखाई दे रहे कि वो हिंदू या मुसलमान है। वो कला जो उसमें पारंगत है, वो अभिनय करने की क्षमता रखते हैं, वो जिस तरीके का अभिनय करते हैं उससे लाखों दिलों पर वो राज करते हैं। जो दिलीप कुमार है वो यूसुफ खान थे, लेकिन दिलीप कुमार की अदाकारी जो लोगों के दिलों पर छा गई उसकी वजह से दिलीप कुमार बने हैं। अमिताभ बच्चन हिंदू हैं इसलिए लोगों के दिलों पर राज नहीं करते, अमिताभ बच्चन अपनी अदाकारी की वजह से, अपने मैनरिज्म की वजह से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो मुझे लगता है एक समाज पूरी तरह से गलत दिशा में चला गया जहां पर व्यक्ति के कर्म का, व्यक्ति के जो व्यवहार है उसका महत्व खत्म होकर केवल हमने धर्म और जाति के नाम पर उसको पहचानना शुरू कर दिया है।
क्या ये कहना सही होगा कि इस तरह के भड़काऊ भाषण सियासी मौसम में ही अधिक सुनने को मिलते हैं? सियासत ने तो निश्चित तौर पर इस खेल को ज्यादा बिगाड़ा है, लेकिन कुछ लोगों ने सियासत के नाम पर भी अपनी धार्मिक दुकान को चमकाने की कोशिश की है। कुछ लोगों का एजेंडा है, कुछ लोगों का एजेंडा है कि वो धर्म को इस तरीके से उपयोग में लाएं कि जिससे वो सत्ता पर भी काबिज हो सके और धर्म का जो कट्टर स्वरूप है वो उनकी दुकान चलाने में उनको रास आता है। तो धर्म और राजनीति का ये जो घालमेल है ये लंबे समय से समाज को परेशान करता रहा है। पूरी दुनिया में जिस तरह का असल में विमर्श अब धर्म के इर्द गिर्द घूमने लगा है वो किसी और बड़ी विस्फोटक स्थिति में ना पहुंच जाए ये मेरी चिंता है, बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि पूरी दुनिया हमें धर्म के नाम पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए असल में हिटलर ने भी जो कत्लेआम किया था वो नस्ल के आधार पर किया था, वो चाहता था कि इस धरती से यहूदियों का नामो निशान मिट जाए और वो मानता था कि जो उसकी नस्ल है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे के धर्म को हीन मानने की ये जो भावना है निश्चित तौर पर इसने दुनिया का पहले भी बहुत नुकसान किया है और आगे आने वाली ये जो समाज है जो खुद को सभ्य कहलाता है, चांद पर और मंगल ग्रह पर जाने में बड़ा इतराता है, सुपर कंप्यूटर्स का आविष्कार किया है, नित नए स्मार्टफोन और नए नए शॉपिंग मॉल समय धरती पर आकार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन तमाम आधुनिक सुविधाओं के बावजूद दिमाग में कहीं वही कूड़ता वही भीरुता भरी हुई है जो इस समाज को दरअसल सभ्य नहीं होने देती। बीफ पर पिछले दिनों काफी कुछ बवाल हुआ था, इसके बाद भी हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीफ फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा था जिस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, इसे किस प्रकार की राजनीति से जोड़कर देखा जाना चाहिए? मुझे लगता है इससे वाहियात कोई और कदम नहीं हो सकता कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए आप सार्वजनिक तौर पर वो काम करें जो किसी को पसंद नहीं है। इसी तरह जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कुछ एक गुट द्वारा बीफ फेस्टिवल के आयोजन की बात कही गई तो दूसरे गुट ने कहा कि हम गौ रक्षा या गौ पूजा का वहां पर आंदोलन चलाएंगे, एक और गुट सामने आया उसने कहा कि हम पोर्क फेस्टिवल करेंगे, तो किसी धर्म के लोगों को यदि पोर्क खाने से परहेज है, पोर्क खाने से नफरत है, तो उस धर्म के लोगों को चिल्लाने के लिए आप पोर्क। इसी तरह कश्मीर में वहां के एक विधायक ने कोशिश की थी कि वहां सड़क पर बीफ फेस्टिवल का आयोजन किया। मुझे लगता है कि यहां पर वही बात है बार बार कि आपको दूसरे के धर्म की भावनाओं का, अगर गाय को हिंदू धर्म में माता माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है, और दरअसल उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हो रहा है जहां पर तेलंगाना में तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो गाय को आप न मार सकते हैं न खा सकते हैं, फिर आप वहां पर बीफ फेस्टिवल का आयोजन, बीफ में दरअसल भैंस का मांस भी शामिल होता है, लेकिन आप इस तरीके की हरकतें क्यों करते हैं? ये मान लिया गया है, संसद में कहा गया है, कानून में कहा गया है कि आपके रहन सहन और खान पान को लेकर कानून के दायरे में जो भी आप कर रहे हैं उससे किसी को कोई परहेज नहीं, लेकिन वो घर में होना चाहिए। आप जब घर की चीज सड़क पर, विश्वविद्यालय तो पढ़ाई करने की जगह है, अकादमिक स्थान है, विश्वविद्यालय में क्यों कर आप बीफ फेस्टिवल करना चाहते हैं? ताकि आप भावनाओं को जो पहले से भड़की हुई और भड़काएं और बहुत सारे दादरी हों और ये समाज में अच्छी बातों के लिए, विकास के लिए, हम उस हिंदुस्तान में जी रहे हैं जहां पर गलत तरीके के ऑपरेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, उस पर बहस होने की बजाय ये बहस होती है कि किसने क्या बयान दिया। आज मुझे बहुत अफसोस है कि इंदौर जैसे शहर के एक चौराहे पर जाकर लोग प्रदर्शन करते हैं, कोई बयान दे रहा है तो वो उसकी बेवकूफी है उस बयान के। आप जो इतना बड़ा मध्य प्रदेश के बड़वानी में कांड हुआ जहां पर एक डॉक्टर द्वारा लापरवाही किए जाने की वजह से, अस्पताल की बुरी स्थिति की वजह से, ओटी की बुरी स्थिति की वजह से इतने सैकड़ों लोगों को अपनी आंख की रोशनी गंवानी पड़ी, उसके खिलाफ कोई इस देश में क्यों नहीं आवाज उठाता? मध्याह्न भोजन में छिपकली पड़ने की वजह से बच्चे मर जाते हैं इस देश में, वो सारे मुद्दे बहस का विषय नहीं बन पा रहे। बहस का विषय बन रही है दादरी, बहस का विषय बन रहा है गौमांस, बहस का विषय बन रहा है किसी सिरफिरे द्वारा दिया गया कोई बयान, बहस का विषय बन रहा है धार्मिक कट्टरता। दरअसल फिर हम समाज को बेहतर स्थिति में कैसे ले जा पाएंगे? बिल्कुल, इन बयानबाजियों के बजाय कुछ पुख्ता मुद्दों पर विचार करना काफी जरूरी है। फिलहाल वेबवार्ता में इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।